आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FCI हरियाणा की तरफ से एक नई भर्ती जारी की गई है वॉचमैन यानी कि चौकीदार की। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है फॉर्म के डिटेल्स के बारे में। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कर सकते हैं, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। आपको जस्ट यहाँ रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ इस ऑप्शन से आप लॉगिन करके इस फॉर्म को कम्प्लीट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टाइम जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर एक बटन मिलेगा रजिस्टर्ड हियर का, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको देना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन की जाएगी। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको यहाँ चेकबॉक्स पर टिक मार्क करनी है। उसके बाद यहाँ पर बटन मिलेगा अप्लाई नाउ का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपको देनी है। आपका पहले यहाँ पे नाम लिखना है, जो फर्स्ट नेम रहेगा वो, मिडिल नेम रहेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है और जो नाम लिखे रहेंगे वही दोबारा से यहाँ पे कन्फर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने माता का नाम लिख लेना है, माता का नाम फिर से दोबारा से लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने रिलीजन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ अपलोड करनी है और इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कई सारी आपको आईडी मिल जाएंगी जिसमें आपका जो भी आईडी मैच करता है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उस आईडी के जो सीरियल नंबर रहेगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्टिव मेल आईडी लिखनी है, क्योंकि जो भी मैसेज इनके द्वारा सेंड किया जाएगा वो आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएंगी। तो आपने यहाँ पे जो मेल आईडी लिखा रहेगा वही मेल आईडी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 10 अंक की मोबाइल नंबर लिखनी है, इसमें आपको 0 या ऐसा कुछ आपको नहीं यूज़ करना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे वही मोबाइल नंबर दोबारा से लिख लेनी है। सो चलिए यहाँ पे जो भी ऑप्शंस मांगी जाती हैं उसे हम जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। आपको अपने सारे डिटेल्स को लिखने के बाद एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो डाटा है यहाँ पे सेव हो जाने के बाद इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सारा डाटा सही रहेगा आप इसे चेक कर लीजिएगा। तब आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज आएगा जहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको एंट्री करना पड़ेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका बॉर्न स्टेट क्या है वो आप यहाँ पे सर्च करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जेंडर क्या है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आपके मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यदि आप डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग है तो ये यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। अगर आप करेंट टाइम कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो मांगा जा रहा है वो आपको एंट्री करना पड़ेगा। यदि आप कहीं जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप सर्विस मैन हैं, एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि क्या आप गार्ड सिक्योरिटी एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है यू हैव अप्लाइड 2017, अगर आपने 2017 में ये पोस्ट अप्लाई किया है तो यहाँ पे यस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो नो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको दो बटन मिलेगा प्रीवियस एंड सेव एंड नेक्स्ट का, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको अपने एड्रेस डिटेल्स को फिलअप करना है। अपने एड्रेस को लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, यदि आप सेम पते पे रहते हैं तभी आप इस चेकबॉक्स पे टिक मार्क करिएगा। अगर आप सेम पते पे नहीं रहते हैं, दूसरा पता आप यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं जहाँ पे आप फिलहाल प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, तो वो पता आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये ऑप्शन को सबमिट करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एकेडमिक डिटेल्स के ऑप्शन पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा।
सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने 8 की क्वालिफिकेशन की डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का जो नाम है उसे आप लिखेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट आपने क्वालिफाई किया है और आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 10th की क्वालिफिकेशन की ईयर आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद 10th की जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। 10th आप किस स्कूल से क्वालिफाई किए हैं वो आप लिखेंगे। यदि आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वैसे इस पोस्ट के लिए सिर्फ 8वीं की क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 8वीं की क्वालिफिकेशन है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपको डिटेल्स देने के बाद यहाँ पे बटन मिलेगा फिनिश का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। ऊपर यहाँ पे आपको मैसेज भी दिखाया जाएगा, प्लीज़ वेरीफाई ऑल डिटेल्स। अपने सारे डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद नीचे आना है। यदि आपके इस डिटेल्स में कोई भी गलती होती है तो यहाँ पे बटन मिलेगा एडिट का, यहाँ पे क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सारा डाटा सही है तो यहाँ सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक मैसेज आपको दिखा दिया जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुकी है। आपको अपने मेल आईडी में जाके चेक करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहीं पर आपको मिलेगा। कभी कभी होता क्या है कि आपकी जो मैसेज है वो स्पैम नाम के फोल्डर में जाके रुक जाती है, तो उसे भी आपको चेक करना पड़ेगा यदि आपको SMS नहीं प्राप्त होती है तब। तो चलिए हम अपने मेल आईडी में लॉगिन होते हैं। यहाँ ओके के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। मेल आईडी में लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे मैसेज आपको दिखाया जा रहा है रजिस्ट्रेशन का, आपको इस मैसेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इस साइड में मिल जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपको URL भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये जो URL है वो आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है। चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार हम अपने पासवर्ड को भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये कैप्चा कोड जो डिस्प्ले किया जा रहा है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कैप्चा कोड लिखने के बाद लॉगिन हियर के बटन पे आपको क्लिक करना है। यदि आप प्रेजेंट टाइम में या कभी भी आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन आईडी फॉरगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इससे आप फॉरगेट कर सकते हैं। सो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करेंगे। तो आप यहाँ लॉग इन हियर के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही फिर से आपको वही चीज़ दिखाया जाएगा, आपको यहाँ पे इसे पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ आई अग्री कर लेनी है और लॉग इन नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप लॉग इन नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे लॉग इन कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अभी फिलहाल 50% कंप्लीट किए हैं फॉर्म। अब आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे बगल में बटन मिलेगा सेंड OTP, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ इस बॉक्स में लिखना है। 2 मिनट का यहाँ पे लिमिट समय दी गई है। OTP को लिखने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज दिखाया जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुकी है। ओके के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं बढ़ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट अप्लीकेशन का फॉर्म मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको अपने फोटो को अपलोड करनी है, उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन, आपने क्या एंट्री किया है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे देखिए बहुत लोग को समस्या होगी, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में जो दिया जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन PH के लिए नहीं है या EX सर्विसमैन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन सभी के लिए है। सभी कैंडिडेट यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है आपको कहाँ से मिलेगा, आपको बगल में आना है। यहाँ पे फॉर्मेट फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक PDF पेज मिलेगा। सबसे पहले इसे आप प्रिंट आउट करेंगे, चाहे आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप यहां से प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट करने के बाद आपको यहां पे कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, अपना प्लेस लिखना है और अपना डेट, जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है, हैंड राइटिंग में आपको लिखनी है। लिखने के बाद आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप इसे स्कैन कीजिए, चाहे किसी तरीके से आपको अपने
चाहे आप इसे फ़ोटो खींच के, आप एक अच्छे से फ़ोटो खींच के आप इसे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए बटन मिलेगा, यहाँ पे इन सभी बटन का यूज़ करके आपको एक एक करके अपलोड करना है। पहले चलिए ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर आगे का जो प्रोसीड है वो आपको बताते हैं। ओके, यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद नीचे आपको बटन मिलेगा अपलोड का, जस्ट आपको इस बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक मैसेज दिखाया जाएगा कि कांग्रेचुलेशंस, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे आपको ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद परसेंटेज आपको दिखाया जाएगा 100% कम्प्लीट। अब आपको गाइस यहाँ पे करना क्या है, फी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे फी पेमेंट करने के लिए हम आपको प्रोसीड बताते हैं। देखिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई आवेदन फी नहीं पेमेंट करना है। इसमें टर्म एंड कंडीशन लागू की गई हैं, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे फी पेमेंट करना है। जब आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, फ़ी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। 250 रुपीस इसमें फ़ी निर्धारित रखी गई है, तो आपको फ़ी पेमेंट करने के बाद ही कंप्लीट फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ी पेमेंट नहीं करना है। आपकी जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं तो आपका ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा और उसके बाद आपका कंप्लीट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलेगा सबमिट का, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फॉर्म है आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप अपने फॉर्म की डिटेल्स को चेक करने के बाद नीचे आपको बटन मिलेगा प्रिंट फॉर्म का, आपको इस पर क्लिक करना है। चाहे आप इसे प्रिंट कर लीजिए, चाहे आप इसे सेव कर लीजिए, इनकेस भविष्य में कोई भी समस्या हो तो आप इसमें चेक कर सकें। ओके, तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करेंगे। हमने आपको एक एक करके सारी चीज़ बता दी है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए गाइस तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए, मेहनत कुछ कर रहे हैं गाइस, तो आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है यार। लाइक करेंगे तभी तो मनोबल बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी सुझाव या सवाल है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट करिए यार। जो भी समस्या है उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आपका जो भी सवाल है उसे आप कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर्म के डिटेल्स के बारे में इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप ये वीडियो को देख लीजिएगा। इस फॉर्म के डिटेल्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।